नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ममता से एक और मीटिंग की मांग करते हुए चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सभी मांगे नहीं मानी गई हैं। आजिकल मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार से पुलिस कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 5 मांगे की थी। इसके लिए वे 40 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर ममता के बीच मीटिंग हुई थी। इसमें ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी। उन्होंने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाया था। उनकी जगह मनोज वर्मा को कमिश्नर बनाया गया। इसके बाद मंगलवार देर रात डॉक्टरों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा। बुधवार को डॉक्टरों ने कहा अभी आधी जीत हुई है। हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम का इस्तीफा जरूरी है। अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की मांग भी अभी नहीं मानी गई है, इसलिए CM से एक और मीटिंग की मांग की है। डॉक्टरों और ममता की मीटिंग को लेकर कोलकाता में 7 दिन तक टकराव हुआ था। 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद 16 सितंबर को ममता और डॉक्टरों के डेलीगेशन की CM हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मानी थी और कहा था कि काम पर वापस लौटें। डॉक्टरों और CM की 16 सितंबर की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तुभ नायक को स्वास्थ्य परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष हल्दर को पब्लिक हेल्थ का OSD बनाया गया है। त्रिपुरारी अर्थव को DEO का डायरेक्टर चुना गया। इसके अलावा 5 पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए। जावेद शमीम ADG कानून व्यवस्था, विनीत गोयल ADG और IG स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंह ADG और IG इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्टर, अभिषेक गुप्ता COEFR सेकेंड बटालियन का नाम शामिल है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।